सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बॉल क्रिक न्यूज़। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं खिलाड़ी को खिलाड़ी रीमेक किंग, बॉक्स ऑफिस किंग, एक्शन और कॉमेडी फिल्मों के बेताज बादशाह अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवीज के बारे में, जिनके आने वाली फिल्में 2023 से 2024 तक रिलीज कर दी जाएंगे। अक्षय सर के चार फिल्में 2022 में थिएटर्स में आई थी, जिसमें से चारों के चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि इससे अक्षय सर का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके स्टारडम पे एक भी खरोच भी नहीं आई है। अब अक्षय सर 2023 में पूरी तरह से कमबैक करने के लिए तैयार हैं। अगर आप अक्षय कुमार के फैन हो तो वीडियो घंटे जरूर देखना, और डायरेक्ट फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अक्षय कुमार के अपकमिंग मूवीज के अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ अक्षय सर के करियर के हिट और फ्लॉप फिल्मों की भी हम लोग लिस्ट बनाने वाले हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बिना गए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैन था ये सर का, अब सेलिब्रिटी बना घूम रहा है। वॉल्यूम बढ़ाइए। फैन था ये सर का, अब सेलिब्रिटी बना घूम रहा है। टीवी का वॉल्यूम बढ़ाइए। अक्षय कुमार की फर्स्ट अपकमिंग मूवी का नाम है सेल्फी। एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, और इस फिल्म के डायरेक्टर है राज मेहता, जिन्होंने गुड न्यूज और जुग जुग जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म में अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, नुसरत भरचा और डायना पेंटी लीड रोल्स निभाएंगे। वहीं महेश ठाकुर, फहीम फाजिल, टिस्का चोपड़ा, अदा शर्मा, अभिमन्यु सिंह और कुशा कपिला सपोर्टिंग रोल्स में नजर आएंगे, और मृणाल ठाकुर स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे। फिल्म में अक्षय कुमार एक सुपरस्टार का रोल प्ले कर रहे हैं, और उनके कैरेक्टर का नाम है विजय कुमार। इमरान हाशमी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर रोल पे करते नजर आएंगे, जो सुपरस्टार विजय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। और ये फिल्म 24 फरवरी 2023 को थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा। इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन, कीप ऑफ गुड फिल्म्स, मैजिक फ्रेम्स और पृथ्वीराज प्रोडक्शंस के बनाने बनाया गया है। और ये 2019 में आई मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का ऑफिशियल हिंदी रीमेक होने वाला है, जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन और सूरज बंजामुड़ू लीड रोल्स में नजर आए थे। खास बात यह है कि पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। फिल्म में हमें एक सुपरस्टार और उसके फैन के बीच जबरदस्त क्लैश होते हुए दिखाया जाएगा, जो चूहे बिल्ली की तरह फाइट होगी। सेकंड नंबर पर है ओ माय गॉड 2, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म का राइटर और डायरेक्टर है अमित राज, जिन्होंने क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म रोड टू संगम दी है। फिल्म में अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम और अरुण गोविल लीड रोल्स नजर आएंगे। फिल्म में अक्षय कुमार एज भगवान शिव का रोल प्ले करते नजर आएंगे, अरुण गोविल एज भगवान श्री राम का रोल प्ले करते नजर आएंगे, और पंकज त्रिपाठी एक टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, जिनके कैरेक्टर के आसपास पूरी फिल्म घूमती हुई नजर आएगी, जैसे पार्ट 1 में हमने परेश रावल के कैरेक्टर को देखा था। और ये 2012 में आई सुपर हिट फिल्म ओ माय गॉड का सीक्वल होने वाला है। इस फिल्म को केप ऑफ गुड फिल्म्स और बकाव फिल्म प्रोडक्शंस के बनतले बनाया गया है, जिसे समर 2023 में रिलीज कर दिया जाएगा। और ये फिल्म हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे बेस्ड होने वाली है, यानी कि इस बार शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाया जाएगा। इस फिल्म से अक्षय सर का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है। थर्ड नंबर पर है सुर्राई पोटरू मूवी का हिंदी रिमेक, जिसका टाइटल स्टार्टअप माना जा रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर है सुधा कोंगारा, जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म को भी डायरेक्ट किया था। आपको बता दें कि 2020 में आई तमिल फिल्म सुर्राई पोटरू का ऑफिशियल हिंदी रिमेक होने वाला है, जिसमें सूर्या, अपर्णा बाला मुरली और परेश रावल लीड रोल्स में नजर आए थे। बात करें रिमेक कास्ट की, तो अक्षय कुमार, राधिका मदन और परेश रावल लीड रोल्स में नजर आएंगे। फिल्म में परेश रावल अपने पहले वाला ही कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने सूर्य पोटरू में प्ले किया था। वहीं अक्षय सर सूर्या वाला रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, और उनके कैरेक्टर का नाम है वीर। राधिका मदन अपर्णा बाला मुरली वाला रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में राधिका मदन अक्षय सर के ऑपोजिट नजर आने वाली है, और सूर्या सर एक्सटेंडेड कैमियो में नजर आने वाले हैं, जिनकी हिंदी सिनेमा में डेब्यू फिल्म भी होने वाली है। इस फिल्म को टूडी एंटरटेनमेंट, अबुदंती एंटरटेनमेंट और केप ऑफ गुड फिल्म्स के बनतले बनाया जा रहा है, जिसे 2023 में रिलीज कर दिया जाएगा। फोर्थ नंबर पर है कैप्सूल गिल, एक बायोग्राफिकल रेस्क्यू ड्रामा फिल्म होने वाली है। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं टीनू सुरेश देसाई, जिन्होंने रुस्तम जैसी फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म में अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा लीड रोल्स में नजर आएंगे। वहीं राजेश शर्मा, कुमुद मिश्रा, देवेंद्र भट्टाचार्य, रवि किशन, आरिफ जकारिया, वरुण बडोला और अनंत महादेवन सपोर्टिंग रोल्स में नजर आने वाले हैं। फिल्म में हमें एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर जसन सिंह गिल की कहानी दिखाई जाएगी, कि कैसे उन्होंने 1989 में रानीगंज कोयला खदान डिजास्टर में 65 लोगों की जान बचाई थी। इस कोयला खदान में 65 मजदूर फंस गए थे, लेकिन हादसे के वक्त एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर जसन सिंह गिल ने मजदूरों की जान बचाई थी। उन्होंने मजदूरों को बचाने के लिए स्टील के कैप्सूल बनाए थे, और उसके जरिए लोगों को बचाया था। फिल्म में अक्षय कुमार चीफ माइनिंग इंजीनियर जसन सिंह गिल का रोल प्ले करते नजर आएंगे, और परिणीति चोपड़ा उनकी वाइफ का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। इस फिल्म को पूजा एंटरटेनमेंट और कीटा प्रोडक्शंस के बनतले बनाया गया है, जिसे 2023 में रिलीज कर दिया जाएगा। फिफ्थ नंबर पर है वेदांत मराठे वीर दौड़ले साथ, एक मराठी पैन इंडियन पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है। और इस फिल्म के डायरेक्टर है महेश मांजरेकर। फिल्म में अक्षय कुमार एज छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा प्रवीण तरले, विशक निकम, विराट मडगे, हार्दिक जोशी, सत्य मांजरेकर और उत्कर्ष शिंदे लीड रोल्स में नजर आएंगे। इस फिल्म की स्टोरी 1674 में सेट है। फिल्म में हमें दिखाया जाएगा कि कैसे 7 मराठा योद्धाओं ने मराठा एम्पायर को स्वराज का सपना पूरा करने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। इस फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर करने वाले हैं हितेश मोदक। इस फिल्म को कुरैशी प्रोडक्शंस और महेश मांजरेकर मूवीज के बैनर तले बनाया जा रहा है, जिसे 9 नवंबर 2023 को दिवाली के खास मौके पर थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा। इस फिल्म को मराठी के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा। अक्षय कुमार का मराठी सिनेमा में डेब्यू फिल्म होने वाली है। तो
सिक्स्थ नंबर पर है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एक पैन इंडियन एक्शन कॉमेडी फिल्म होने वाली है। इस फिल्म का राइटर और डायरेक्टर है अली अब्बास जफर, जिन्होंने सुल्तान, टाइगर जिंदा है और भारत जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, पृथ्वीराज सुकुमारन, रोनित रॉय, सोनाक्षी सिन्हा, मानुषी छिल्लर और अलाया फर्नीचर वाला लीड रोल्स में नजर आएंगे। बता दें कि ये फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ के रीमेक तो बिल्कुल भी नहीं है, बस फिल्म का टाइटल लिया गया। हालांकि ये फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ और बैड बॉयज दोनों ही फिल्मों के लाइन्स पे होगी। फिल्म में अक्षय कुमार बड़े मियाँ और टाइगर श्रॉफ छोटे मियाँ का रोल प्ले करते नजर आएंगे। अलाया फर्नीचर वाला टाइगर श्रॉफ के अपोजिट नजर आएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में अक्षय कुमार के अपोजिट कोई भी एक्ट्रेस नहीं होगी, क्योंकि अक्षय सर का रोल फिल्म में डार्क और इंटेंस होने वाला है। फिल्म में मानुषी छिल्लर और सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर को अभी तक छिपा के रखा गया है। और इस फिल्म के मेन विलन खलनायक है पृथ्वीराज सुकुमारन और उनके कैरेक्टर का नाम है कबीर। इस फिल्म को 300 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है, जिसमें से अक्षय सर 160 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं और टाइगर श्रॉफ 40 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं और बाकी के बजट में इस फिल्म को लेविस एक्शन फिल्म बनाया जाएगा। इस फिल्म को पूजा एंटरटेनमेंट और अली अब्बास जफर फिल्म्स के मन तले बनाया जाएगा। इस फिल्म को क्रिसमस 2023 के मौके पर रिलीज कर दिया जाएगा। इस फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में स्टार्ट हो चुकी है। इस फिल्म को इंडिया के अलावा लंदन, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स और यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज में शूट किया जाएगा। गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो अभी। सेवंथ नंबर पर है सिंघम अगेन, एक एक्शन कॉप ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म का राइटर और डायरेक्टर है रोहित शेट्टी, जिन्होंने सिंघम सीरीज, सिम्बा और सुरंसी जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म में अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, जैकी श्रॉफ और करीना कपूर लीड रोल्स में जाएंगे। वहीं सलमान खान, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा एज चुलबुल पांडे, सूर्यवंशी, सिम्बा और IPS कबीर मलिक का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। और ये फिल्म रोहित शेट्टी के कॉपी नोट्स में सेट है। फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर से बाजीराव सिंघम का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जैकी श्रॉफ एज उमर हफीज का रोल प्ले करते रहेंगे, जिनका कैरेक्टर सूर्यवंशी में नजर आया था। सूर्यवंशी फिल्म में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिया गया था, जहाँ पे अजय देवगन जैकी श्रॉफ को चुनौती देते हैं कि वो पाकिस्तान में घुसेंगे भी और मारेंगे भी। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण एक कॉप का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी और दीपिका पादुकोण रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की पहली फीमेल कॉप होने वाली है। और ये फिल्म हमें 2023 के एंड में नहीं तो 2024 में देखने को मिल जाएगा। एट्थ नंबर पर है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सी शंकरन नायर, एक बायोग्राफिकल पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर है करण सिंह त्यागी, जिनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म होने वाली है। फिल्म में अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे लीड रोल्स में जाएंगे। और ये फिल्म लॉयर चतुर शंकरन नायर के लाइफ पे बेस्ड होने वाली है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि श्री शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को दुनिया के सामने लाया था। और ये फिल्म द केस दैट शुक द एम्पायर बुक पे बेस्ड होने वाली है। इस फिल्म का राइटर है श्री शंकरन नायर के ग्रेट ग्रैंडसन रघु पलट और उनकी वाइफ पुष्पा पलट। और ये फिल्म 19th सेंचुरी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बैकड्रॉप पे सेट है। फिल्म में हमें ये दिखाया जाएगा कि कैसे श्री शंकरन नायर ब्रिटिश राज से लड़के पूरी दुनिया को जलियांवाला बाग हत्याकांड का सच दुनिया भर के सामने लाया था। फिल्म में अक्षय कुमार एज लॉयर श्री शंकरन नायर का रोल प्ले करते नजर आएंगे। अनन्या पांडे अक्षय कुमार की असिस्टेंट लॉयर का रोल प्ले करते नजर आएंगी और आर माधवन भी फिल्म में एक लॉयर का रोल प्ले करते नजर आएंगे, जो अक्षय कुमार के अपोजिट होंगे। इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शंस और लियो मीडिया कलेक्टिव के बने तले बनाया जा रहा है, जिसे 2024 के फर्स्ट हाफ में रिलीज कर दिया जाएगा। ये अक्षय कुमार का धर्मा प्रोडक्शन के साथ 7th फिल्म होने वाली है। 9th नंबर पर है खेल खेल में, एक रोमांटिक कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर है मुदस्सर अजीज, जिन्होंने हैप्पी भाग जाएगी और फिर भाग जाएगी, पति पत्नी और वो जैसी फिल्म में डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म में अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, एमी विर्क और वाणी कपूर लीड रोल्स में जाएंगे। फिल्म में अभी और भी कैरेक्टर्स को कास्ट किया जाएगा। इस फिल्म को भूषण कुमार और अश्विन वर्दे मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग समर 2023 में स्टार्ट हो गई, जिसे 2024 में रिलीज कर दिया जाएगा। जन्म मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ, मैं समझाऊंगा, हमेशा तू समझाता है। 10th नंबर पर है हाउसफुल 5, ये इंडियन सिनेमा की बिग बजट कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है। फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नडेलवाला ने कंफर्म कर दिया है कि हाउसफुल 5 में हाउसफुल फ्रेंचाइज के लगभग सारे एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा। फिल्म में अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, रितेश देशमुख, बॉबी देओल और अभिषेक बच्चन लीड रोल्स में जाएंगे। फीमेल लीड में दीपिका पादुकोण और कृति सनन नजर आएंगे। बाकी के 3 लीड एक्ट्रेस के लिए पूजा हेगड़े, जैकलिन फर्नांडिस और कृति खरबंदा नजर आ सकती है। वहीं चंकी पांडे, बोमन ईरानी, रंजीत और जॉनी लीवर सपोर्टिंग रोल्स में नजर आ सकते हैं। और ये फिल्म 2023 के सेकेंड हाफ में फ्लोर पर जाएगी, जिसे 2024 में रिलीज कर दिया जाएगा। इस फिल्म से साजिद नडेलवाला अपना हाउसफुल यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं। इस फिल्म की स्टोरी लिखी है साजिद नडेलवाला ने, जिन्होंने हाउसफुल फ्रेंचाइज को हाउसफुल यूनिवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। और ये फिल्म नडेलवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बने तले बनाया जाएगा। रिकॉर्ड की शर्ट पहनकर साला हमसे जबान लड़ा रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया, भरे कोर्ट के अंदर थप्पड़ मार दिया इनको, अब क्या ऑडियंस लगा देगा इनके नीचे। 11th नंबर पर है जॉली LLB 3, एक सोशल कॉमेडी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं सुभाष कपूर, जिन्होंने जॉली LLB सीरीज को डायरेक्ट किया है। फिल्म में
अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला लीड रोल्स में जाएंगे। फिल्म में अक्षय कुमार एक बार फिर से जगदीश्वर मिश्रा अक्का जोली का रोल प्ले करने जाएंगे, अरशद वारसी एज जगदीश त्यागी अक्का जोली का रोल प्ले करने जाएंगे और सौरभ शुक्ला एज सुंदरलाल मोहन त्रिपाठी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी कोर्ट रूम में एक दूसरे से भिड़ते नजर आएंगे, लेकिन इस बार कॉमेडी अंदाज में। जोली वर्सेस जोली इस फिल्म का थीम होने वाला है। इस फिल्म को स्टार स्टूडियोज के बने तले बनाया जाएगा। इस फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2023 में स्टार्ट होगी, जिसे 2024 में रिलीज कर दिया जाएगा। 12th नंबर पर है अक्षय कुमार की अनटाइटल फिल्म। डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ एक इमोशनल कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म का राइटर और डायरेक्टर है प्रियदर्शन, जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ भूल भुलैया, हेरा फिर, भागम भाग जैसी बहुत सारी कॉमेडी फिल्में बना चुके हैं। फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में जाएंगे। वहीं कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कल्याणी प्रियदर्शन भी इस फिल्म का पार्ट होने वाली है और ये फिल्म भी पैन इंडिया प्रोजेक्ट होने वाला है। इस फिल्म में 70% कॉमेडी और 30% इमोशनल ड्रामा फिल्म देखने को मिलेगा और लगभग 10 सालों के बाद ये दोनों स्टार्स एक साथ नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग 2023 के एंड में स्टार्ट हो सकती है, जिसे 2024 में रिलीज कर दिया जाएगा। 13th नंबर पर है स्काई फोर्स। एक एयरफोर्स ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संदीप केवलानी, जो रनवे 34 के राइटर रह चुके हैं। फिल्म में अक्षय कुमार इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का रोल प्ले करते नजर आएंगे और ये फिल्म सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड होने वाली है, जो इंडिया की विक्ट्री को सेलिब्रेट करेगी। और इस फिल्म की शूटिंग 2023 में स्टार्ट हो सकती है, जिसे 2024 में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को दिनेश विजन की मैडॉक फिल्म्स के बनने तले बनाया जाएगा। 14th नंबर पर है दी एंड वेब सीरीज। एक फ्यूचरिस्टिक एक्शन थ्रिलर सीरीज होने वाली है और इस सीरीज में अक्षय कुमार लीड रोल में जाएंगे। इस सीरीज के लिए अक्षय सर 100 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं और ये अक्षय कुमार की डिजिटल डेब्यू फिल्म होने वाली है और ये सीरीज अमुदंतिया एंटरटेनमेंट के बनने तले बनाया जाएगा, जिसे अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया जाएगा। अपन का फटका 440 का झटका। 10th नंबर पर है रावड़ी राठौड़ 2। एक एक्शन कॉमेडी कॉप ड्रामा फिल्म होने वाली है। फिल्म में अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल्स में जाएंगे। फिल्म में अक्षय कुमार एक बार फिर से शिवा एज राठौड़ विक्रम राठौड़ का रोल पे करते जाएंगे और 2012 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म रावड़ी राठौड़ का सीक्वल होने वाला है, जो 2006 में आई तेलुगु फिल्म विक्रमा कुड्डू का रिमेक थी। इस फिल्म के राइटर हैं केबी विजेंद्र प्रसाद और इस फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है। अब देखते हैं कि अक्षय सर इस फिल्म को कब स्टार्ट करते हैं। इस फिल्म को संजय लीला भंसाली प्रोड्यूस कर रहे हैं। 16th नंबर पर है हेरा फेरी 3। एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अनीस बाजमी। फिल्म में अक्षय कुमार, कार्तिक आर्यन, सुनील शेट्टी और परेश रावल लीड रोल्स में नजर आ सकते हैं। फिल्म में कार्तिक आर्यन राजू का कैरेक्टर नहीं प्ले करेंगे। फिल्म में एक न्यू कैरेक्टर होने वाला है, जो फिल्म में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वहीं अगर प्रोड्यूसर फिरोज नाडीडवाला और सुनील शेट्टी अक्षय कुमार को लाने में कामयाब हुए तो ठीक, नहीं तो उनके कैरेक्टर राजू को स्किप कर दिया जाएगा। इस फिल्म को फिरोज नाडीडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। 17th नंबर पर है दोस्ताना 2। एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं कॉलिन डिकोन्ना। फिल्म में अक्षय कुमार और जानवी कपूर लीड रोल्स में नजर आ सकते हैं। वहीं सेकंड लीड एक्टर की कास्टिंग अभी भी हो रही है। आपको बता दें कि पहले फिल्म कार्तिक आर्यन, लक्ष्य लालवानी और जानवी कपूर के साथ बनाया जा रहा था, लेकिन धर्मा प्रोडक्शन और कार्तिक आर्यन के इश्यूज की वजह से ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई थी और अब इसे अक्षय कुमार रिवाइव करेंगे। 18th नंबर पर है अक्षय कुमार की एक और अनटाइटल फिल्म। प्रोड्यूसर एकता कपूर के साथ एक एक्शन कॉमेडी फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं राज सैंडेलिया। फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आ सकते हैं और ये फिल्म बालाजी टेलीफिल्म्स के बनने तले बनाया जाएगा। 19th नंबर पर है अक्षय कुमार की अनटाइटल फिल्म। प्रोड्यूसर कुमार मंगत के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं विघ्नेश शेट्टी। फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग दिवाली 2023 में स्टार्ट होगी, जिसे 2024 में रिलीज कर दिया जाएगा। 20th नंबर पर है महाभारत। एक 5D पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, नाना पाटेकर और परेश रावल को लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया है। इस फिल्म को 700 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा, जिसकी शूटिंग 2025 में स्टार्ट होगी और 2025 के एंड में रिलीज करने की प्लानिंग की गई है। वहीं इस फिल्म के लिए टॉप बॉलीवुड एक्टर्स और टॉप साउथ एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा इम्पोर्टेंट रोल्स के लिए और तो और इंडिया के टॉप डायरेक्टर को कास्ट किया जाएगा डायरेक्ट करने के लिए। 21st नंबर पर है डायरेक्टर सुकुमार की अनटाइटल फिल्म। जी हां दोस्तों, पुष्पा फिल्म के राइटर और डायरेक्टर सुकुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो किसी भी बॉलीवुड स्टार के साथ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमेशा स्क्रिप्ट ही एक्टर को डिसाइड करती है। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि कभी उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो अक्षय कुमार के साथ वो जरूर काम करेंगे। पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम। 22nd नंबर पर है सिम्बा 2। ये रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की एक्शन कॉमेडी फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रोहित शेट्टी। फिल्म में रणवीर सिंह और सारा अली खान एक बार फिर से लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं अक्षय कुमार और अजय देवगन कैमियो करते हुए नजर आएंगे, जो सूर्यवंशी और सिंघम के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म के लिए आपको बहुत ही ज्यादा वेट करना पड़ेगा। 23rd नंबर पर है बिट्टा बायोपिक। एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है। फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आ सकते हैं और ये फिल्म ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा के लाइफ पे बेस्ड होने वाली है, जो पंजाब सरकार में मंत्री और इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 24th नंबर पर है डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की अनटाइटल फिल्म। एक सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी। हाल ही में डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और अक्षय कुमार ने एक एड शूट किया है, जहां पे राजकुमार हिरानी अक्षय कुमार के क्विक टेक से काफी इंप्रेस हो चुके हैं और वो अब अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म करना चाहते हैं।
25th नंबर पर है सूर्यपुत्र महावीर कर्ण, एक पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म का राइटर और डायरेक्टर है आर एस विमल। फिल्म में हमें कर्ण की अनदेखी कहानी दिखाई जाएगी जो महाभारत का एक कैरेक्टर है। हिंदी में फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं कुमार विश्वास ने, वहीं तमिल और मलयालम में बी जय मोहन ने लिखा है। इस फिल्म का बजट 300 करोड़ से 350 करोड़ के बीच में होने वाला है जिसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो विक्रम के बाहर होने के बाद मेकर्स ने कर्ण के रोल के लिए अक्षय कुमार को अप्रोच किया है। 26th नंबर पर अखंडा हिंदी रीमेक, एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के हिंदी रीमेक में अक्षय कुमार या फिर अजय देवगन दोनों में से किसी एक एक्टर को कास्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि अखंडा 2020 में आई सुपरहिट तेलुगु फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस में 127 करोड़ का कलेक्शन किया था। कोरोना पेंडेमिक के बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा दी थी। इस फिल्म में नंदामुरी बालाकृष्णन लीड रोल्स में नजर आए थे। 27th नंबर पर है गोरखा, एक बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संजय पूरन सिंह चौहान। फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल नजर आएंगे। फिल्म में हमें इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल इयान कार्डोजो की स्टोरी दिखाई जाएगी। इस फिल्म को आनंद एल राय, हिमांशु शर्मा और अक्षय कुमार मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रॉपर रिसर्च न होने की वजह से इस फिल्म को फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है। मुंबई पुलिस पासपोर्ट पर रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। 28th नंबर पर है सूर्यवंशी 2, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रोहित शेट्टी। फिल्म में अक्षय कुमार एक बार फिर से वीर सूर्यवंशी का रोल प्ले करते नजर आएंगे और ये 2021 में आई सुपरहिट फिल्म सूर्यवंशी का सीक्वल होने वाला है। 29th नंबर पर है द बर्निंग ट्रेन रीमेक। फिल्म इत्तेफाक और पति पत्नी और वो जैसी फिल्मों के हिंदी रीमेक की सफलता के बाद मेकर्स द बर्निंग ट्रेन का रीमेक बना रहे हैं और इसकी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। फिल्म में पहले ऋतिक रोशन नजर आने वाले थे लेकिन बात कुछ बन नहीं पाई और इस समय अक्षय कुमार पूजा एंटरटेनमेंट के फेवरेट बन चुके हैं और इस फिल्म को भी रिवाइव किया जाएगा अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। 30th नंबर पर है धूम 4, एक बिग बजट एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म का इंतजार हर कोई कर रहा है और इस फिल्म के मेन विलन के लिए अक्षय कुमार, सलमान खान और शाहरुख खान के नाम सबसे ऊपर है और इनमें से किसी एक एक्टर को कास्ट किया जा सकता है। वैसे आप किस एक्टर को धूम 4 में देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 31st नंबर पर है वेलकम 3, जिसका टाइटल है वेलकम टू द जंगल, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म होने वाली है। फिल्म में परेश रावल, नाना पाटेकर और अनिल कपूर को कास्ट कर लिया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम नजर आ सकते हैं क्योंकि ये फिल्म एक मिलिट्री एक्शन के बैकड्रॉप पे बेस्ड है। 32nd नंबर पर है वायर अप के स्पाई यूनिवर्स की अनटाइटल फिल्म, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आ सकते हैं। इस फिल्म में सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ कैमियो में नजर आ सकते हैं और ये फिल्म हमें वॉर 2 और टाइगर पठान फिल्म क्रॉसओवर के बाद ही देखने को मिलेगा। 33 नंबर पर है अक्षय कुमार की अनटाइटल फिल्म, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म में अक्षय कुमार और अजय देवगन पैरेलल लीड रोल में रहेंगे जिसमें से एक हीरो और दूसरा विलन का रोल होने वाला है। 34th नंबर पर है SSMA 29, एक पैन वर्ल्ड ग्लोब ट्रोटिंग जंगल एडवेंचर फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर है SS राजामौली। फिल्म में महेश बाबू लीड रोल में रहेंगे। वही कुछ इंपोर्टेंट रोल्स के लिए अक्षय कुमार, क्रिस हेम्सवर्थ, नैनी और कार्थी के नाम सुनने में आ रहे हैं। वैसे इन एक्टर्स में से कौन से एक्टर को महेश बाबू के साथ आप देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस फिल्म का बैकड्रॉप अफ्रीकन फॉरेस्ट में सेट है जिससे बनने में लगभग 2 साल लगेंगे। इस फिल्म का बजट 400 करोड़ से भी ज्यादा होने वाला है। इस फिल्म की शूटिंग 2023 के सेकेंड हाफ में स्टार्ट होगी जिसे 2025 में रिलीज कर दिया जाएगा। 35th नंबर पर है अक्षय कुमार की अनटाइटल फिल्म विद्युत जामवाल के साथ, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है और इस फिल्म का राइटर है संजय पूरन सिंह चौहान, जो गोरखा और 83 फिल्म के राइटर रह चुके हैं। इस फिल्म को संजय पूरन सिंह चौहान खासकर अक्षय कुमार और विद्युत जामवाल के लिए लिख रहे हैं। इस फिल्म को ग्रैंड लेवल पे एक्शन फिल्म बनाया जाएगा। फिलहाल ये फिल्म अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पे है। सो गाइस, ये थी बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवीज की कंप्लीट लिस्ट। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।